तो फ्रेंड्स, आज हम चूल्हे में तिल और गुड़ का लड्डू बना रहे हैं। तो चूल्हा हमारे पास था नहीं, तो हमने ईंट जोड़ के ही चूल्हा बना लिया। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ठंड बहुत हो रही है, तो चूल्हे में खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। और आज दिन में हमारे पास टाइम था नहीं, हम कहीं गए थे तो बिल्कुल टाइम नहीं था। और कल मकर संक्रांति है, सबको पता ही है आप लोगों को, तो आज ही मुझे लड्डू बनाना था। तो इसके लिए हमने अभी से ही बनाना शुरू कर दिया। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और थोड़ी थोड़ी सी अंधेरा भी हो गया है। अब हम तिल को चुनना स्टार्ट कर दिए थे और तिल हमारा साफ हो गया था, तो अब हम तिल को ड्राई भून ले रहे हैं। तो देखिए, तिल हमारा भून रहा है और आँच ज़्यादा तेज है, तो तिल जल जाता है। इस वजह से हम कढ़ाई को साइड कर लेते हैं। चूड़ा को भी हमें ड्राई ही भूनना है और गोल्डन होने तक भूनना है इसको, इस तरह से। ये देखिए, आप चूड़ा भी हमारा तैयार हो चुका है भून के। तो देखिए, गोल्डन गोल्डन कलर आ गया इसमें। और अब हम मूंगफली भून लेंगे तिल में डालने के लिए। तो मूंगफली अच्छा लगता है तिल में, तिल के लड्डू में, तो उसको भी हमें ड्राई ही भूनना है। तेज आंच पे हम इस पाक को तैयार करेंगे। तो देखिए, इधर ईसा अदरक कद्दूकस कर रही है। लड्डू में अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर इंडियन ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? तो मैं ठीक हूँ और आप सब भी ठीक ही होंगे। और आप सभी को हैप्पी लोहड़ी। और कल है मकर संक्रांति, तो उसके लिए हम बना रहे हैं तिल के लड्डू और मुरमुरे के लड्डू बना रहे हैं। और चूड़ा, जो हम लोगों में बोलते हैं चूड़ा, और जिससे पोहा बनता है, उसका लड्डू बना रहे हैं। तो आज हम चूल्हा बना रहे हैं, लकड़ी पे बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारा ये जो पाक होता है ना, वो गुड़ का पाक जो होता है, जिसमें हम वो बनाएंगे, वो हम बना रहे हैं। ये देखिए, और इधर हमने चूल्हा भून लिया है। ये देखिए, चूल्हा है, इसको हमने भून लिया है अच्छे से। ये देख सकते हैं, पूरा गोल्डन कलर का हो गया है भूनने के बाद ये। और ये सफेद तिल है, ये भी गोल्डन कलर का हो गया है, इसको भी हमने गोल्डन कलर में भून लिया है। और इसके ये देखिए फ्रेंड्स, अदरक हमने घिस लिया है और इसको पाक में हम डालेंगे। तो उसको हम अब इसमें डाल देंगे। तो
थोड़ा सा इतना सा डाल देंगे, इसका टेस्ट लड्डू में बहुत अच्छा लगता है, तो हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से हम पाक तैयार करेंगे। ये देखिए हमारा पाक तैयार हो रहा है। फ्रेंड्स लकड़ी में धुआं बहुत लग रही है चूल्हे में, तो दिख रहा होगा आप लोगों को। तो फोटो अगर सामने आ रही होगी फोटो की एज आप लोग देख लेना, तो जल गई, सही से जल लिया। ये देखिए हमारी चूल्हा अच्छे से जल गई है, आग जल गई है सही से। फ्रेंड्स जब हम लोग बच्चे थे तो गांव में रहते थे, तो हम लोग चूल्हे में ही खाना बनाते थे मेरी मम्मी, और तब हम लोगों को आदत थी चूल्हे में खाना बनाने की। लेकिन अब सब शहर में आ गए हैं तो आदत छूट गई है, तो अब गैस की आदत लग गई है सबको और हमें भी, तो अब चूल्हा में सही से नहीं बन पाता, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की। तो आग हमारी अच्छे से जल गई है, तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा पाक तैयार हो रहा है जिसे हम लड्डू बनाएंगे। अभी पूरा हुआ नहीं है, इसको हम अच्छे से पकाएंगे और जब ये हो जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे कि होने के बाद ये कैसा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा पाक हो गया है तैयार, और ये देखिए इसका कलर देखिए कैसे चेंज हो गया है, बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। और जब ये पाक आपका तैयार हो जाएगा तो ये देखिए इस तरह से इसमें धागे से निकलने लग जाते हैं। तो अब हम इसको पलट लेंगे, और इसको इस तरह से मिलाना होता है। ये बहुत गर्म होती है तो इस वजह से हाथ से हम नहीं मिला सकते, हाथ ही जल जाएगी हमारी, तो इसलिए हम कलछी की मदद से इसको मिला रहे हैं बड़े चम्मच से। देखिए देखिए फ्रेंड्स जब तैयार हो जाता है तो देखिए इसमें से कैसे धागा निकलने लग जाता है, तो इस तरह के धागा निकलने लग जाता है जब ये पाक तैयार हो जाता है। ये हैं इसमें चूड़ा की लड्डू बनाने के लिए, गर्म पानी हो जाएगा फिर हम इसमें गुड़ डालेंगे। ये देखिए कढ़ाई हमारी काली हो चुकी है, तो पानी काला दिख रहा है, उसको अच्छे से हम मिला लेंगे इस तरह से देखिए, और फिर हम इसके बाद लड्डू बनाएंगे। और इसमें हम मूंगफली डाल देंगे, ये सब हमारा मिल चुका है, अब हम इसको लड्डू बना लेंगे। कुछ तो गोल गोल से बना लेंगे, और कुछ हम बनाएंगे पेड़े की तरह, ज्यादा अच्छा लगेगा ना। तो फ्रेंड्स हम कुछ गोल गोल लड्डू से बनाएंगे इस टाइप से,
और कुछ हम बनाएंगे इस तरह से, छोटे छोटे पीस बनाएंगे। एक तरफ बताना, आप चिपकने लग जाती है तो पानी की मदद से, इसमें पानी से आप हाथ गीला कर सकते हो। पानी लगाने के बाद अच्छे से बन जाती है, हाथ चिपकता नहीं है। बन गया और चूड़ा का भी बन चुका है, और अब हम बनाएंगे मुरमुरे के लड्डू। तो ये देखिए पिज़्ज़ा, और मैं बना रही हूँ पानी का, और ये देखिए इस तरह से बनाए जाते हैं लड्डू मुरमुरे के। इसको इस तरह से बनाते हैं, देखिए दोनों हाथ की मदद से भून भून करके एक एक करके हम सारे इस तरह से बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, लड्डू हमारे एक एक करके बन गए हैं, और तो आज हमने लड्डू जो है चूल्हे में बनाए थे, तो सारे लड्डू अच्छे से बन गए हैं। तो आप हम दिखाते हैं, ये देखिए मुरमुरे के लड्डू, देखिए ये मुरमुरे के लड्डू जो बहुत ही क्रंची बने हैं। तो हमारे घर में सबको क्रंची लड्डू पसंद है, तो ये बहुत ही क्रंची बने हैं, तो हमने सबको गोल गोल करके बना लिया है छोटे बड़े साइज में। तो किसी को छोटा साइज पसंद है और किसी को बड़ा साइज के लड्डू पसंद है, तो इसलिए हमने दोनों साइज के बना लिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा चूड़े का लाई, जिसको बिहार में इसको लाई बोलते हैं और दिल्ली में लड्डू बोलते हैं इसको। तो ये हमारा चूड़े का लाई भी तैयार हो गया, और देखिए कितना क्रंची बनाए हैं, बहुत ही टेस्टी और क्रंची बनाए, जैसे हमारे बच्चे को पसंद है वैसे ही हमने बनाए हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ तिल के लड्डू। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये तिल के लड्डू हैं, ये भी बहुत ही अच्छा और क्रंची बने हैं। इस तरह के बन गया है हमारा तिल के लड्डू, और तीनों लड्डू हमारा तैयार हो गया है, मुरमुरे का भी और चूड़े का भी और तिल का भी, और तीनों हमारा लड्डू बहुत ही अच्छा बना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों में मकर संक्रांति में ये लड्डू अक्सर बनाए जाते हैं, ये पर्व में हमेशा बनाते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।